हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ का एक टॉपिक और पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स। बहुत सारे चैप्टर हैं अभी, लेकिन कुछ बोर्ड्स का रूल रेगुलेशन आने वाला है, उसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि क्या होंगे, हो सकता है बोर्ड से निकाल दिए जाए। इस वजह से वही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अभी जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, जिनको निकाला नहीं जा सकता है। तो उस चैप्टर्स में से एक चैप्टर है डिटरमिनेंट्स। क्या है डिटरमिनेंट्स? ठीक, अब डिटरमिनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, डिटरमिनेंट्स के बारे में समझते हैं एक्चुअली डिटरमिनेंट है क्या। वैसे तो नॉर्मली लोग क्वेश्चन लगवाने स्टार्ट कर देते हैं डिटरमिनेंट में, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले इसके बारे में प्रॉपर्टी समझनी है, क्या है डिटरमिनेंट, कैसे इसका यूज होगा और क्या इसकी डेफिनेशन है। तो डिटरमिनेंट होता क्या है? ठीक, तो हम लोग कंसिडर करते हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या कंसिडर करेंगे? एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलने का मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक छोटी सी चीज है। मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन है और वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ऐसा इक्वेशन आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मानेंगे। किसे मानेंगे? जिसमें वेरिएबल क्या होगा, एक्स और वाई। क्या होगा? एक्स और वाई। तो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मानेंगे। तो वो क्या मान ले, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू डी वन। दूसरा क्या मान लेते हैं, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू डी टू। ठीक, बुक में आपको डायरेक्ट लिख देगा कि क्या है इसको सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हमारे पास कितने इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, कितने इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन। कितने हो गए? दो। तो आप क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे बचपन में आप क्या करते थे क्लास एट में, क्लास नाइन्थ में, इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई करते थे दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ए टू से, इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए वन से, कोई डाउट नहीं? ठीक, तो अगर ए टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को ए वन ए टू एक्स, फिर इसको भी ए टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी वन ए टू वाई, इसको ए टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी वन ए टू। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए वन से तो ये हो जाएगा ए वन ए टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, ए वन बी टू वाई, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वन डी टू। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, जब इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। अगर इसका कुछ नाम देना चाहते हैं, थ्री बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए फोर, तो लिख दीजिएगा इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन नंबर फोर। तो हम देखते हैं यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इसकी कहानी खत्म। कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, बी वन ए टू वाई माइनस ए वन बी टू वाई बराबर डी वन ए टू माइनस ए वन डी टू, कोई डाउट नहीं? इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, वाई, तो बचेगा बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू और मल्टीप्लाइड इंटू वाई स्क्वायर टू, ये क्या हो जाएगा, डी वन ए टू माइनस ए वन डी टू। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर यहां से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो निगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, ये ए वन बी टू हो जाएगा, ये बी वन ए टू हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू और इंटू वाई बराबर ए वन डी टू माइनस डी वन ए टू। अब ध्यान से देखने की चीज, देखिए ये चीजें आपको आती हैं, ये चीजें आपको आती हैं, ये सिखाने के लिए मैंने इसको नहीं किया है, आपको दिखाना है कि क्या डिटरमिनेंट किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को मान लेते हैं, दुनिया में कोई भी दो इक्वेशन मान लीजिए, ऐसा नहीं केवल यही दो इक्वेशन होंगे, कोई भी दो इक्वेशन मान लीजिए और उसको जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। तो जब इस फॉर्म में आएगा उसके बाद की कहानी हम लोग आगे देखते हैं, इसको पहले आप नोट करिए और हम लोग फिर आगे देखते हैं इसकी कहानी। तो नोट करते हैं इसको फिर आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब इस फॉर्म में हमारा आ गया, इस फॉर्म के आगे हम क्या देखेंगे, कैसे डिटरमिनेंट लिखा जाता है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक, तो
जो हमारा लास्ट लाइन आया है उसको मैं यहां पे लिखता हूं। लास्ट लाइन हमारी क्या आई है ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू वाई बराबर ए वन डी टू माइनस डी वन ए टू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सप्रेशन है, ठीक, जो एक्सप्रेशन है ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू माइनस बी वन ए टू, इट इज रिप्रेजेंट, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द, इन द फॉर्म ऑफ द, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर एरे के फॉर्म में। देखिए ए वन बी टू माइनस बी टू ए वन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एरे ए डॉलर ए वाई। ठीक है, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एरे। स्क्वायर एरे क्या होता है, एरे क्या होता है पहले ये समझा देता हूं। देखिए एरे क्या होता है, किसी चीज को लिखने का तरीका, मतलब किसी चीज को एक विशेष तरह से लिखने का, यानी एक स्पेशल तरीके से लिखने का जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं, एरे। जैसे आप कंप्यूटर में सी लैंग्वेज पढ़े होंगे क्लास टेंथ में, तो या प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे, तो उसमें आपको क्या होता है, एरे लिखने का तरीका बताया जाता है। तो किसी भी चीज को लिखने का तरीका जो स्पेसिफिक ढंग से लिखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, एरे कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एरे कहते हैं। ठीक, तो इस चीज को आज तक हम लोग इस चीज को ऐसे देखते थे, लेकिन आज से इस चीज को किस फॉर्म में देख सकते हैं, देखिए इस फॉर्म में देख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं ए वन, यहां लिख सकते हैं बी टू, यहां लिख सकते हैं बी वन, यहां लिख सकते हैं ए टू। ठीक, या इस बॉक्स में, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वन बी वन ए टू बी टू, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, तो समझिएगा ध्यान से, जहां आपका चैप्टर स्टार्ट होने लगा। ठीक, अब क्या है ये, इसको जो भी ये चीज दी है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिखने का मतलब है इसको डिटरमिनेंट एक बक्सा में बंद करके रख सकते हैं। ठीक, या तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पहला एलिमेंट ए वन, फिर बी टू क्या करेंगे यहां पे आ गया, फिर बी वन क्या हो गया यहां पे आ गया, ए टू यहां पे आ गया, कोई दिक्कत, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। ठीक, यानी इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर एरे, कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर एरे। अब देखिए ध्यान से, आपको दिखाई देगा ये, अगर इसको हॉरिजॉन्टली देख रहा हूं मैं, तो ये क्या है, एक रो है, क्या है, एक रो है, यानी रो आर वन हो गया। इसको हॉरिजॉन्टली देखा तो ये क्या हो गया, आर टू हो गया एक रो। इसको देखा तो ये सी वन हो गया, कॉलम हो गया, मतलब इसको वर्टिकली देखिए सी वन हो गया। इसको देखे तो ये वर्टिकली क्या हो गया, सी टू हो गया, मतलब क्या हो गया कि ये आर वन रो हो गया, आर टू रो हो गया, सी वन कॉलम हो गया, सी टू कॉलम हो गया। तो कितने रो, दो रो, कितने कॉलम, दो कॉलम, यानी टू क्रॉस टू। इसको क्या बोलेंगे, टू क्रॉस टू, क्या बोलेंगे, टू क्रॉस टू, दो रो दो कॉलम मतलब टू क्रॉस टू, थ्री रो तीन कॉलम मतलब थ्री क्रॉस थ्री। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी स्क्वायर एरे हैं, देखते हैं द नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये आपको जरूर याद रखना है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि, यानी स्क्वायर एरे बात हो रही है, स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है। यानी अब इसकी बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, स्क्वायर एरे है। और एंड दिस टाइप ऑफ स्क्वायर एरे इज नोन एज डिटर्मिनेंट, इज नोन एज डिटर्मिनेंट। ठीक है, ध्यान में समझ में आया कि डिटर्मिनेंट किसको कहा जाएगा, किसी भी ऐसे सिस्टम को जिसको हम लोग स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर एरे का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। यानी हम लोग डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए वन बी वन ए टू बी टू। ये तो टू क्रॉस टू का था, लेकिन अगर हम लोग को थ्री क्रॉस थ्री का बताना है, अगर थ्री क्रॉस थ्री का बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कहीं पे यहां पे लिख देता हूं बगल में ही, अगर थ्री क्रॉस थ्री का बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ठीक है, और ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब देखिए कितने रो, आर वन एक रो, आर टू एक रो, आर थ्री, ठीक,
तीन रो और कॉलम C1, C2, C3, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, कितने कॉलम? तीन। कितने रो? तीन। तो 3x3, यानी 3x3 का ये क्या हो गया? डिटरमिनेंट हो गया। 3x3 का क्या हो गया? डिटरमिनेंट हो गया। आप रो 4x4 का बना सकते हैं, ठीक। तो डिटरमिनेंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि जिसको हम लोग स्क्वायर एरे के फॉर्म में रखेंगे वो क्या होगा? डिटरमिनेंट होगा। और डिटरमिनेंट में हमेशा क्या होगा? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? बराबर होंगे। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे, याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग इसमें बताएंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तरीका कैसे होता है, इसको आगे बताते हैं, तब तक इसको नोट करिए। तो हम लोग यहां तक सीखे कि डिटरमिनेंट को कैसे आता है, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखे। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा, डिटरमिनेंट में एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इसमें नंबर ऑफ रो हमें और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होंगे। जब मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम की जरूरत नहीं है बराबर होने के लिए। लेकिन अगर अगर आप डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। भूल गया तो लॉकडाउन के बाद मिलूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक। अब डिटरमिनेंट की बात होगी कि इसको स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिख लिए। अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज और दिमाग में नोट कर लीजिए कि जो डिटरमिनेंट होता है उसकी एक फिक्स वैल्यू आती है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जो कि हमेशा क्या होगी? फिक्स रहेगी। जैसे 8 आ गई, 9 आ गई, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो एक फिक्स वैल्यू आएगी। यानी लिखेंगे एक पॉइंट डिटरमिनेंट, क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑलवेज गिव्स अ फिक्स्ड वैल्यू। अ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मतलब होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्या के फॉर्म में, 10, 20, 30 इस तरह से होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक सिंबल से। इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ग्रीक सिंबल। देखिए मार्कर लेते हैं, मार्कर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ग्रीक सिंबल डेल्टा। ग्रीक सिंबल डेल्टा मतलब इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एक ग्रीक सिंबल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा अब ग्रीक में कुछ हुआ होगा तो ग्रीक सिंबल डेल्टा यूज हो गया। वो सब चिरकुटाई नहीं देखनी है, बस देखना है कि रिप्रेजेंटेड बाई ग्रीक सिंबल डेल्टा। यानी अगर मुझे कोई डिटरमिनेंट लिखना है, कोई डिटरमिनेंट लिखना है क्या? आप बोलिए सर रो और कॉलम तो बराबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जब भी आप बोलेंगे 2x2 का या 3x3 का या 4x4 का, ठीक, तो आप बोलेंगे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए मुझे 3x3 का डिटरमिनेंट एक बनाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा बराबर, हमेशा लिखने के लिए एक बक्सा बना देंगे, ठीक, और उसको क्या लिखेंगे? A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये 3x3 का क्या हो गया? डिटरमिनेंट हो गया। और ये ग्रीक सिंबल डेल्टा है जिसको इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिए अब हम लोग क्या देखे कि डिटरमिनेंट में थोड़ा सा क्विक रिविजन करते हैं, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर एरे के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्क्वायर एरे। स्क्वायर एरे का मतलब आपका क्या होना चाहिए? रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। अब रो और कॉलम आपके बराबर हो गए तो उसके बाद देखे कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? एक फिक्स वैल्यू आती है। फिक्स वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, 10, 20, 30, 1 लाख कुछ भी आ सकती है, लेकिन फिक्स आएगी। माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद देखे कि डिटरमिनेंट जो होता है स्क्वायर एरे है, तो हमेशा या तो 3x3 या तो 4x4 या तो 5x5 इस तरह से होगा। 4x3 ऐसा नहीं हो सकता, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। पहले वाला जो एलिमेंट होता है वो रो होता है और दूसरा वाला क्या होता है? कॉलम होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो मैंने 3x3 का एक डिटरमिनेंट बनाया और उसको क्या कर दिया? डेल्टा बराबर के फॉर्म में इसको रख दिया। अब हम लोग इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। बाकी मैंने इसमें बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आप देख लीजिए कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके बारे में एक छोटा सा आपको क्लू दे रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो भाई यहां तक तो समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग ऑर्डर भी डिसाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं ऑर्डर क्या होता है। एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड कर देते हैं ताकि आप क्या हो जाएंगे? फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक। अब क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ द राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, आप लोग पहले जान रहे हैं, तो नो कमेंट्स, ठीक। चलिए ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को बनाना है 2x2 का, तो मैं डेल्टा बराबर लिख लिया 2x2 के लिए A1 B1
ए टू बी टू कुछ भी लिख सकते हैं आपको जो समझ में आए, ठीक है, इना मीना डिगा रम पंपीगा कुछ भी लिख सकते हैं। डेल्टा बराबर ए वन बी वन ए टू बी टू, ठीक, ये किसका हो गया टू क्रॉस टू का, ठीक। लेकिन अगर मुझे दूसरा चाहिए थ्री क्रॉस थ्री का, तो मैं कितने लूंगा, तीन रो लूंगा, तीन कॉलम लूंगा, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री, क्या लूंगा, थ्री क्रॉस थ्री हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे, ठीक। चलो अब हम बताते हैं कि मान लो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट रो और कॉलम बराबर है, तो ये कितने का ही बन सकता है, n क्रॉस n का ही बन सकता है, तो n क्रॉस n का भी देख लेते हैं, सपोज दैट कोई पूछ दिया तो, ठीक। तो अगर मुझे n क्रॉस n का बनाना होगा तो मैं क्या लूंगा, रो में भी n एलिमेंट होने चाहिए, कॉलम में भी n एलिमेंट होने चाहिए, तो मैं बोल दिया ये ए वन वन हो गया, ए वन टू हो गया, ए वन थ्री हो गया। इसका मतलब समझिएगा, पहला रो देखिए, ए वन वन का मतलब पहला रो और पहला कॉलम, ठीक, ए वन टू का मतलब पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम, ठीक है, ए वन थ्री का मतलब पहला रो लेकिन तीसरा कॉलम। इस तरह अगर मैं एन पार्ट के लेता हूं तो पहला रो लेकिन एनवा कॉलम, यानी एनवे कॉलम पे पहुंच गए, पता नहीं हो एनवा कॉलम कहां पे, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। फिर मान लीजिए ए टू वन लिख रहा हूं, तो किस रो पे आ गए, दूसरे रो पे आ गए, किस रो पे आ गए, दूसरे, तो दूसरा रो लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला ही है, कॉलम कौन सा है, पहला। फिर ए टू टू दूसरा रो दूसरा कॉलम, ए थ्री थ्री तीसरा रो टू, नहीं गलत हो गया ना, ए टू वन पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम एंड दूसरा रो एनवा कॉलम, ठीक। अब इस तरह से मान लीजिए ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री एन, कोई दिक्कत। अब मैं इसको भी n पार्ट के लिए अगर यूज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, कौन से किस रो पे आ गए हम लोग, किस रो पे आ गए, एनवे रो पे, तो ए एन वन, ठीक है, रो तो n ही है, एन एच रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला, ठीक, ए एन टू, ठीक, ए एन थ्री, लेकिन लास्ट में जाएंगे, क्या वीडियो में आ रहा है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखिए सर क्या वीडियो में आ रहा है, ठीक, तो लास्ट वाली लाइन देखिए आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, nth रो nth कॉलम, nth रो nth कॉलम। तो ये हमारा n क्रॉस n के लिए, किसके लिए हो गया, n क्रॉस n का क्या हो गया, ये डिटरमिनेंट हो गया, मतलब हम लोग 2 क्रॉस 2 के लिए बना सकते हैं, 3 क्रॉस 3 के लिए बना सकते हैं और n क्रॉस n के लिए बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे बताइए, आप अपने दिमाग से बताइए, क्या 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, क्या 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, क्वेश्चन आया हुआ है, क्या 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, हाँ नहीं नहीं पॉसिबल है। 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर एक रो रहे एक कॉलम रहे, ऐसा हो सकता है, आप अगर बनाएंगे ए वन ए टू तो देखिए ये कितने रो हो गए, दो रो हो गए, लेकिन होना कितना चाहिए था, एक रो एक कॉलम ही होना चाहिए था। तो 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट इज नॉट पॉसिबल, 2 क्रॉस 2 से स्टार्ट होगा, 3 क्रॉस 3 और कहीं तक जा सकता है, बस रो और कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद एक और टॉपिक देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसको नोट करिए। तो यहां तक हो गया, क्लियर हो गया, आपने नोट कर लिया, अब हम आएंगे, देखिए अभी तक आपने क्या समझा, डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब हम लोग क्या सीखेंगे, एक्सपेंशन और डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन क्या से होगा, यही सबसे मेन टॉपिक है इसमें, इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसी से आपको आगे का आइडिया मिलेगा। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि कई तरह से एक्सपेंशन इस चैप्टर में बताया गया है, अभी नॉर्मल एक्सपेंशन बताऊंगा मैं, फिर एलिमेंट्री प्रॉपर्टी लगा के एक्सपेंशन बताऊंगा, ठीक है, तो उसके निश्चित रहिएगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक, तो देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात करते हैं। तो देखिए एक रूल होता है, उस रूल के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, बस रूल जानिएगा, रूल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, होता है सेरेस रूल, क्या होता है, सेरेस रूल, ठीक, अगर नहीं याद होता है तो एक पंछी होता है सारस, ठीक है, वही याद कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है, कौन सा रूल होगा, सारस रूल। अब इस रूल का नाम याद रहे नहीं याद रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस एक्सपेंशन करने का तरीका मालूम होना चाहिए, तो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको एक्सपेंशन करने का तरीका।
अगर आपके पास 3x3 का डिटरमिनेंट है, ठीक, कितने का डिटरमिनेंट है, 3x3 का डिटरमिनेंट है, लेकिन उसके पहले आपको मैं 2x2 का बता दे रहा हूं, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। मान लीजिए लिखा है कि एक पॉइंट में 3, 4, 5, 6, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा करना है, आप पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे आप क्लास किसमें टेंथ में थे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ते थे, उसी चीज से ये जुड़ा होगा, उससे कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो ये 3x3 करेंगे और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो खुद ब खुद एक माइनस साइन आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 3 × 6, ठीक है, माइनस अपने आप आ गया क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और 5 × 4, तो जो वैल्यू हो जाएगी 6 × 3 = 18, 5 × 4 = 20, आंसर में -2। देखिए एक फिक्स वैल्यू देके गया कि नहीं गया, गया माइनस में भी आ गया, प्लस में भी आ सकता है, किसी भी आ सकता है। तो 2x2 का जब होता है डिटर्मिनेंट, जब 2x2 का डिटर्मिनेंट होता है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब 3x3 का होता है तो वहां पे दिक्कत आना महसूस होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, उस रूल को फॉलो करिएगा। तो हम लोग अब देखते हैं, एक डिटर्मिनेंट देखते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल वे में बताता हूं, ABCDEFGHI, ठीक है। अच्छा ये कितने रो, 3 रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम, तो कितने का डिटर्मिनेंट हुआ, 3x3 का डिटर्मिनेंट हुआ। अब अगर मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इसको ब्रेक करना है, तो वो कैसे ब्रेक होगा, उसको ब्रेक करने के लिए देखिए, सबसे पहली बात दिमाग बैठा लीजिए, देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग बैठाइएगा, यहां पे लगाएंगे प्लस, यहां लगाएंगे माइनस, यहां क्या लगाएंगे माइनस, यहां पे फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी अल्टरनेट वेज में साइन चेंज होने चाहिए, पहला अगर प्लस है तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। अब अपने मन से यहां माइनस मन डाल लीजिएगा, सर आप बोले थे अल्टरनेट वेज में लगेगा, ठीक, नहीं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ प्लस लेना है, पहला, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, फिर 6 − 7 + 8 − 9 + ठीक। अब अगर ये चीज आपके पास है तो आप किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन बहुत इजिली कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करके फिर आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है, यहां अब अगले वीडियो में आपको एक और वीडियो भेज रहा हूं, उस वीडियो में देखिए कि एक्सपेंशन का पूरा तरीका क्या होता है और उस एक्सपेंशन में कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी देखेंगे एक्सरसाइज के, ठीक, आगे की वीडियो आपको मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।